इसमें मनोज पावा जी और दर्शन जरीवाला जी सीनियर एक्टर्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक्चुअली दे आर द पिलर्स ऑफ आवर फिल्म, एंड उनके साथ दो नए आर्टिस्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, मोहित मदान एंड ज्योति शर्मा, जो इस फिल्म के कपल है या द पीपल हु आर इन लव. सो इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. तो कॉमेडी कोई अलग नहीं होती, सिचुएशन अलग होती है. तो हर फिल्म की में एक सिचुएशन अलग होती है. इसमें अलग सिचुएशन थी जिसके अंदर हम उस ऐप से रिएक्ट कर रहे थे, जो कि कभी कभी लोगों को फनी भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और थोड़ा सा उनको ये भी समझ में आएगा कि जो बात है वो अपनी जगह सही है. तक हो सके डायरेक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करे जिसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस अच्छे हों. अब सच वाले घटनाओं पर फिल्म बनाओ या बायोपिक बनाओ, ये मतलब अपनी डायरेक्टर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में प्रोड्यूसर के पैसे डुबाते, उस तरह के मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना चाहता हूँ. मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ जो कंटेंट ड्रिवन भी हो और एंटरटेनिंग भी हो. ये फेस्टिवल सीज़न है, दशहरा अभी अभी ख़त्म हुई है और हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए खुशी का माहौल होना चाहिए. और ये फिल्म खुशी के बारे में ही बात करता है, कैसे अलग अलग कल्चर्स में, हर कल्चर में एक ब्यूटी है और हर किस्म के लोगों में एक वैरायटी है. और वो दिवाली भी उसी के बारे में है कि आप डार्कनेस को दूर कीजिए और लाइट को वेलकम कीजिए. तो उसी तरह मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली, हैव फन, बी सेफ़.